बिहार से बाहर नहीं जाएगा मजदूरी करने लिए। कोई बिहारी बिहारी के नाम पर जाके बाहर में गाली नहीं सुनेगा। किसी का भी सर बिहारी होने के नाम पर बाहर में नहीं झुकेगा। लेकिन आज बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, आंख से खून का आंसू निकलता है जब हमारे बिहारी मजदूरों को गाली दिया जाता है, बाहर मारा जाता है, पीटा जाता है, बिहारी होने के नाम पर उनको गाली दिया जाता है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे है, उद्धव ठाकरे है, यह मंच पर खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला के माइक में कहता है कि बिहारियों कैसा नेता चुने हो कि तुमको एक रोजगार नहीं दे देता है और आके हमारे महाराष्ट्र में गुजरात में भीड़ लगाते हो। ये मंच पर चढ़ा चढ़ के, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप सर्च कर सकते हैं, सब कोई जानता है। तो कितना तकलीफ होता है एक बिहारी होने पर, कितना शर्म महसूस होता है कि ऐसे ऐसे लोग जिनको हमने सत्ता पर बैठाया है, जिनको हमने वोट दिया है, कभी हमसे जात के नाम पर वोट ले लेते हैं, कभी धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, कभी बदलाव के नाम पर वोट लेते हैं, कभी पार्टी के नाम पर वोट लेते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट ले लेते हैं। हम तो जनता एक विश्वास में वोट दे देते कि चलो अब ना कह लगता, अब ना कुछ तो करबे करी। लेकिन हमेशा हम लोगों को निराशा हाथ लगता है। बस हम यही कहना चाहते हैं, अगर बिहार सरकार चाहे तो जितने भी बंद पड़े चीनी मिल हैं, फैक्ट्री है, कारखाने हैं, अगर बिहार में चालू हो जाए, एक जिले में अगर 2 से 3 फैक्ट्री का चालू हो जाता है, तो मैं दावे के साथ ठोक के कह सकता हूं हम लोगों के पास ब्लूप्रिंट है, हम लोगों ने एक प्लान बनाया है, हम लोग जानते हैं कि कैसे सेट किया जा सकता है, कैसे कंपनी बैठाया जा सकता है, कैसे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। अगर बिहार सरकार चाहे तो मैं दावा करता हूं किसी भी हमारे बिहारी नौजवान भाइयों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम बिहारी नौजवान किसी भी नेता के पीछे खड़ा होकर खाली जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो करें, मुरेठा बांध के खाली बूट पर लाठी खाएं, पिटाएं, आपको जितवाएं और आप जीतने के बाद दिल्ली अब पटना धर लीजिएगा, हम नौजवानों को मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दीजिएगा, हैं? लेकिन अब नहीं चलेगा। अब बिहार में सभी बिहारियों को बिहार में ही रोजगार चाहिए। हर जिले में फैक्ट्री बैठाइए, कारखाना बैठाइए, मजदूरों को रोजगार दीजिए। मजदूरों का रोजगार ही मजदूरों का सम्मान होता है। किसानों का सम्मान करिए, किसानों के लिए व्यवस्था करिए, किसान आत्महत्या रुकना चाहिए, बिहार से मजदूरों का पलायन रुकना चाहिए, तभी जाके एक समृद्ध बिहार बन सकता है, चमकता हुआ सपनों का बिहार बन सकता है हम लोगों का। और इसके लिए हम लोग किसी भी हद तक जाना होगा तो जाएंगे, और इस चुनाव में और इस व्यवस्था में आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह दे रहा हूं मुख्यमंत्री जी और नीतीश चाचा जी, हर हाल में बदलाव होगा और अब की बार युवा सब मिलेगा और आपका बदलाव करेगा। हम नौजवानों मजदूरों को बिहारियों को हमें हमारा अधिकार चाहिए, हक चाहिए। जय बिहार, जय किसान, जय मजदूर, भारत माता की जय, वंदे मातरम।